अस्सलाम वालेकुम, यह है दुनिया न्यूज और मैं हूं तारिक मतीन। नजर डालते हैं दुनिया हेडलाइंस पर। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने कहा है कि पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी नहीं कर सकती जो आईन और बुनियादी कानून से मुतसादिम हो। वकला कन्वेंशन में अदलिया से इजहार यकजहती की करारदादें मंजूर। 27 जून से मुल्क भर में यौम सियाह और अदालती बॉयकॉट का ऐलान। राजा परवेज अशरफ चौधरी बरादरान का शुक्रिया अदा करने शुजात के घर पहुंच गए। परवेज इलाही कहते हैं वोट ना देने वाले मेंबरान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भिजवाएंगे। इमरान खान कहते हैं कि सदर जरदारी के होते हुए मुल्क में शफाफ इंतखाबात मुमकिन नहीं। कोयटा फिर लहू लहू, दुकान पर फायरिंग से 8 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। कराची के इलाके कायदाबाद से 19 अफराद के कत्ल में मुलव्वस टारगेट किलर गिरफ्तार। पुलिस ने 3 भत्ताखोर भी धर लिए। लाहौर के इलाके काना में 3 रोज पहले अगवा की गई बच्ची की लाश नाले से बरामद। मुलजिम पुलिस मुकाबले में मारा गया। और गोल टेस्ट के दूसरे रोज श्रीलंका के 472 रन के जवाब में पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार। 5 विकेटों पर 45 रन बनाए हैं। खबरों की दुनिया से फिलहाल इतना ही। दुनिया से बाखबर रहने के लिए दुनिया के साथ रहिए।